हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज के वीडियो में आपके सामने तीन बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल जो है आगामी आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग देखना, अपने सहपाठियों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका प्रेशर जो है ना हाई लेवल पे पहुंच चुका है और आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट है कि ये सब जो न्यूमेरिकल्स है जो आपका केमिस्ट्री में आपका लगभग जो है आपका जो बोर्ड की एग्जाम हुई थी पहले और या आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है, तो आप लोग इस वीडियो को मजेदार ढंग से देखिए और ठीक है इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे दिए गए समीकरण के बैटरी का ईएमएफ निकालें, Ni plus 2Ag, इसका कंसंट्रेशन या सांद्रण दिया हुआ है 0.002 और इसका है 0.160 m। और ये क्वेश्चन जो है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है और E डिग्री ऑफ सेल ये दिया हुआ है 1.05 वोल्ट। जो आप हम जानते हैं कि नर्स इक्वेशन जो होता है E सेल बराबर dV सेल माइनस 0.0591 बटा n, और यहाँ लॉग जो होगा यानी कि इसका हो जाएगा Ni plus 2 और यहाँ Ag plus 2 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ आगे 2 गुना को किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो n की बात होगी, n जो होगा, देखिए n क्या होगा, जैसे Ni हमारा जो है ये Ni plus 2 हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन का ये त्याग है, ठीक है। और क्या है ये 2Ag और प्लस जो है यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2Ac, यानी दो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर जो होगा ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए आइए हम कैलकुलेशन को किया जाए। ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 और यहाँ लॉग होगा Ni प्लस 2 का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है 0.160 बाई और आपका Ag का प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.002, ठीक है। इस प्रकार से ये तो अलग हो गया ना, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 बाय 2 और यहाँ पर लॉग हो जाएगा 0.160 और बटा हो जाएगा 0.002 आगुने 0.002, ठीक है। अब कैलकुलेशन को जरा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अब हम यहाँ से इधर बढ़ते हैं, चूंकि इधर जगह कम है तो E सेल बराबर जो है बराबर है 1.05 माइनस 0.00591 बाई 2 और यहाँ पर लॉग जो है हमारा ये हो जाएगा, दी यहाँ से दशमलव हटा दिया जाए, यहाँ से दशमलव हटा देंगे हम तो आपका क्या है, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 160 और इसका कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 1/3 बैठ जाएगा और बटा जो हो जाएगा ये 2×2=4 हो जाएगा, 4 से यहाँ पे आप 4 को काट दो, ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.591 बाई 2 और ये लॉग हो जाएगा 4 आगुने 10 पे घात हो जाएगा 4, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आप सिंपल तरीका से करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब इतना का मान जो है आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 और इनटू जो है ये हमारा हो जाएगा 4.602, ठीक है। उसके बाद जो है ये दोनों को गुना करने के बाद 2 घटा दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा 1.05 और माइनस इसका इतना का कैलकुलेशन जो है आपका आएगा 0.14, ठीक है। और इसको घटाने के बाद ये हो जाएगा 0.91 वोल्ट, ठीक है। यही हमारा ईएमएफ होगा, यानी विद्युत वाहक बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन भी काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है क्या है आपके सामने, जरा देखा जाए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं और फिर मैं इसकी बातें करूंगा। कहता है कि यदि यदि आपका अष्टफलकीय है ना ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ठीक है एवॉयड यानी कि अष्टफलकीय अष्टफलकीय ठीक है अष्टफलकीय संरचना इसको कह सकते हैं। अष्टफलकीय संरचना का त्रिज्या जो है त्रिज्या स्मॉल आर है ठीक है। और क्या कहता है क्लोज पैकिंग में क्लोज पैकिंग में परमाणुओं का त्रिज्या जो है ये कैपिटल आर है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध होता ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हम फिगर बनाना चाहेंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप बनाओ जब तक फिगर नहीं बनाओगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए इसका फिगर इस तरह से होगा, इस तरह से आप बना लो ये एक ऐसा हो गया फिर ऐसा हो जाएगा और ये फिर जो है ये ऐसा हो जाएगा। इस तरह से फिगर बन रहा है। अब क्या हमको करना है कि यहाँ पर जो है एक इस तरह से आप बना लो ठीक है बन गया। अब हमको देखना है इसको है ना इसका सेंटर को P कह दो, इसका सेंटर को Q कह दो, इसका सेंटर को R कह दीजिए, इसका सेंटर को S कह दीजिए ठीक है। और हमारा जो है यहाँ सबका सेंटर है ठीक है, सबको आप पहले क्या कर दो मिला दो मिल गए ठीक है। यानी कि सपोज डेट ये हो जाएगा हमारे परमाणु संरचना हो गया। और ये अब देखिए क्या करना है हमारा जो है यहाँ पर जो है इसका रेडियस इसका ये रेडियस जो है हम स्मॉल आर ले लेंगे ठीक है ना। यही सब बातें को ध्यान देना है और यहाँ से जो है यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से और यहाँ से ऐसे मिला देंगे ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमारा एंगल बन गया ठीक है ये जो हमारा एंगल बन गया वो हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम ओ कह देते हैं ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये कैपिटल आर है तो यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज बनता है। देखिए कौन समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज हमारा हो गया ओ पी आर क्या भाई तो हमारा पी आर जो होगा कर्ण होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर ठीक है। और यहाँ पर जो होगा ये तो ठीक है कि हमारा पी आर का स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा आर और ये है आर ठीक है तो ये हो जाएगा टू आर का होल स्क्वायर अब बराबर यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आर है ठीक है और ये स्मॉल यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर और प्लस ये आर प्लस आर का ये होल स्क्वायर हो गया ठीक। ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर बराबर टू इंटू ये हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर और यहाँ पे दो दो कट गया है इस दो से दो को काट दीजिए और ये हो जाएगा टू आर स्क्वायर बराबर आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब क्या है यदि हम आर प्लस आर का मान निकाले तो ये अंडर रूट टू इंटू आर हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा रूट टू आर और माइनस ये आर हो जाएगा ठीक है यानी स्मॉल आर बराबर हो जाएगा रूट टू माइनस वन आई इंटू आर हो जाएगा। इस प्रकार से हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में हम संबंध को निकाल सकते हैं तो ये हमारा क्या है आंसर हो गया ठीक है। चलिए अब क्या है कि हमारा जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे हम ठीक है कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है जरा देखिएगा ये भी धमाकेदार क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है ठीक है कहता है
एनिलीन को, एनिलीन ठीक है, एनिलीन, एनिलीन को डाई इथाइल ईथर में 1% घोल, 1% घोल का सापेक्ष अग्नमन, सापेक्ष अग्नमन 0.007 पाया गया, 0.00 पाया गया, तो एनिलीन का अनुभार क्या होगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, हम कोई भी क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर देंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ 1% घोल दिया हुआ है, ये 0.007 दिया हुआ है और कुछ तो नहीं है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, बाष्प दाब है ना, बाष्प दाब अवनमन, अवनमन ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा, इसको कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है P0-PS होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, P0 बराबर जो होता है, ये हमारा होता है शुद्ध घोलक का वाष्प, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और पीएस बराबर जो होता है, ये होता है घोल का वाष्प दाब, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। इस तरह से तो हमारा जो है, और क्या दिया हुआ है, तो घुल्ले का भार है ना, देख लेते हैं घुल्ले का भार, घुल्ले का भार जो है ये दिया हुआ है 1 ग्राम। ठीक है, तो घोलक का भार क्या हो जाएगा, घोलक का भार जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 100-1 यानी कि 99 ग्राम। ठीक है, चूंकि 1% घोल कर रहा है तो 1 ग्राम घोल, इसी को कहते हैं हम सॉल्यूट, और ये तो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे घोलक का अनुभार, घोलक का अनुभार। ठीक, एक हो गया घोले का अनुभार। ठीक है, जो जरूरत होगा लिखेंगे। चलिए अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। हमारा जो है होता है डेल पी बटा पी जीरो बराबर जो होता है फॉर्मूला, ये होता है घुल्ले का भार, घुल्ले का भार बटा जो होता है, ये होता है घुल्ले का अनुभार, घुल्ले का अनुभार गुना जो होता है हमारा घोलक का अनुभार, घोलक का अनुभार बटा घोलक का भार। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि 1% घोल है तो आपका बहुत सीमित मात्रा में ही होगा। ठीक है, अब हमारा निकालना क्या है, घुल्ले का अनुभार ये निकालना है। तो घुल्ले का अनुभार बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ओ ये नहीं निकालना, सॉरी
हमको निकालना था ये वाला घुलिक का अनुभार। तो घुलिक का अनुभार बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चलाएगा, ये हो जाएगा घुलिक का भार बटा डेल पी बटा पी जीरो, और गुणे जो हो जाएगा गोलक का अनुभार बटा गोलक का भार। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करना है दोस्त। ठीक है, अब चलिए गोलक का भार, गुल्ली का भार, गुल्ली जो होता है कम मात्रा में होता है, इसको एक ग्राम ले लिए हैं जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो है हमारा जरूरत गुल्ली का है एक और बट्टा डेल पी। ठीक है, डेल पी तो यहाँ पर देख लेते हैं, डेल पी बटा पी जीरो, डेल पी बटा पी जीरो का मान ये दिया हुआ है, यह 0.007 हो गया 0.007 अगुने घोलक का अनुभार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घोलक हमारा जो है डाई इथाइल ईथर है, ये जो है हमारा सोलवेंट, ये जो है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं घोलक। ठीक है, इसका अनुभार निकालिएगा घोलक का अनुभार, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है C2H5O और ये C2H5, ये हो जाएगा 12 × 48 और प्लस ये हो जाएगा 5 × 10 और प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 58 प्लस 16 ये हो जाएगा 74 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 74 बटा ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 99। ठीक, आप हमारा कैलकुलेशन करना और भी आसान हो गया, आप पॉइंट को यहाँ से हटा दो तो ये हो जाएगा 74 × 1000 बटा ये हो जाएगा 963 और 963 963 है ना, और 69 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भाग दीजिएगा 74/30/693। ठीक है, तो लगभग आपका जो आएगा कैलकुलेशन करके ये हो जाएगा 105.2 ठीक है ग्राम होगा जो भी होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो है आप शालीनता से और इत्मीनान से बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, और कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है, जब भी घबराइएगा तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांसेस रहेगा। तो आज के वीडियो में बस, आज का इतना ही, बेस्ट ऑफ लक है ना, मजे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, पढ़िए।